नमस्कार, आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। आप बहुत आसानी से इसे घर पर बना पाएंगे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लिया है मैंने और इसमें हम लेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आपको लेना है 1 कप। सेम कप में आप जिस कप में कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं उसी कप में चीनी भी आपको लेना है। थोड़ा सा मीठा खाना चाहे तो 1-2 चम्मच ज़्यादा डाल सकते हैं चीनी। इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें फूड कलर। मैं रेड वाला ले रही हूँ, आप चाहे तो ऑरेंज वाला भी ले सकते हैं। फूड कलर जो है बहुत ही कम लेना है, देखिए 1/4 टीस्पून में मैंने लिया है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, तो इसलिए बहुत ही कम लेना है, आपको ध्यान रखना है। इसको ग्राइंड कर लेना है, देखिए एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो इतनी ही 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ही आप घर पर आसानी से बना पाएंगे ये वाला कस्टर्ड पाउडर। और इसको बनाने के बाद आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब आप फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रूट कस्टर्ड का रेसिपी ऊपर आ रहे पेज पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।